हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप ऑयल से हेयर स्पा किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्पा के लिए ऑयल बनाते हैं। एक बाउल में जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं विटामिन ए की कैप्सूल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल यूज कर रही हूँ। आप अपने हेयर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैप्सूल यूज कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलेंगे। और आप कॉटन ले लेंगे और इस तरह से हेयर की पार्टिंग कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप ऑयल स्पा करने से पहले आपके हेयर धुले हुए होने चाहिए। और इस तरह से पार्टिंग निकालते हुए हम लोग स्केल्प में कॉटन की मदद से ऑयल लगाते हुए चलेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से जड़ में ऑयल लग जाएंगे। ये देखिए हम लोग की बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल लग चुकी है। इस तरीके से लगाते हुए चलेंगे। इस तरीके से आप पूरी स्केल्प में अच्छी तरह से ऑयल को लगा लेंगे। आप इस ऑयल को वीक में 2 बार लगा सकते हैं। इससे आपके हेयर बहुत शाइनी हो जाएंगे, ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, जिससे आपकी हेयर की डीप कंडीशनिंग भी हो जाती है। अब इस तरीके से हम लोग लेंथ में लगाते हुए चलेंगे अपने फिंगर की हेल्प से। आप इस तरह फिंगर की मदद से लेंथ में लगाते हुए चलेंगे और लास्ट में रूट के पास हम लोग इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। ये बहुत अच्छा डीप कंडीशनिंग की भी काम करती है ऑयल। पूरे हेयर में इसी तरीके से लेंथ में लगाते हुए चलेंगे। और हम लोग 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाज कर देंगे। और आप इसको रात में ऐसे ही छोड़ दें, अगले दिन इसको वॉश कर लें। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेंथ में ऑयल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। आप 5 मिनट मसाज कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि आप नाइट के टाइम ही हेयर स्पा करें तो ज़्यादा अच्छी है। आप ऑयल लगा के धूप में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप इस तरह से फिंगर टिप की हेल्प से मसाज कर लेंगे।
बार हेयर में अच्छी तरह से कॉम करके इसको रात भर के लिए ऐसे ही रहने दें और अगले सुबह इसको वॉश कर लें। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।